नमस्कार दोस्तों, आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे। हमने दो बारीक टमाटर काट लिया है, 250 ग्राम साबूदाना लिया है, और ये थोड़ी सी मूंगफली लिया है तलने के लिए, ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, दो आलू और एक मिर्ची। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम साबूदाना। हमने 250 ग्राम लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये देखिए, हम इसमें पानी डाल रहे हैं, हम दो जनों के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने इतना लिया है। ये देखिए, आप उंगली से नाप लीजिए, इतना इतना पानी होना चाहिए इसके ऊपर। और इसके बाद हम 15 मिनट के बाद इसे छान करके रख लेंगे छन्नी में। अब हमने ये गैस पे अपना पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम तेज कर देंगे ताकि हमारा पैन गर्म हो जाए। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। ये हमने 3 चम्मच घी डाल दिया और गैस को मंदी कर देंगे, ये हमने धीमी कर दिया है। अब हम इसमें अपने डाल दिए मूंगफली, गैस की फ्लेम को धीमे ही रखेंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे मूंगफली को। ये हमारी मूंगफली गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हम निकाल रहे हैं। अब हम इसमें बादाम और किशमिश डालेंगे क्योंकि शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए, हमारी किशमिश फूल चुकी है, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं और बादाम को इसी पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वो भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये अभी अच्छे से नहीं हुआ है, ये हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं बादाम को भी, बादाम भी हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन। इस तरीके से निकाल लेंगे प्लेट पर। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मिर्ची, हमने एक ही मिर्ची ली है, आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकती हैं। अब हम इसमें जीरा डाल दिए हैं, जीरा डाल दिए हैं, ये बराबर से चलाते जाएंगे इसको इस तरीके से। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आलू को भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, चलाते रहेंगे इसको बराबर से, इस तरह से चलाते जाएंगे, इस तरह से चलाते जाइए। ये हमारी आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें हम टमाटर डालेंगे और हम सेंधा नमक डालेंगे। टमाटर में सेंधा नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम सेंधा नमक इसमें डालेंगे। और ये हम थोड़ी देर के लिए ढक दिए थे, अभी हम खोल करके देखेंगे कि हमारी ये पका है कि नहीं पका है टमाटर और आलू। ये हमारे टमाटर आलू पक चुके हैं। ये देखिए, हम सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उपवास के लिए बना रहे हैं। अब हम इसे साबुदाना डाल दिए हैं। ये देखिए, अच्छे फूल गए हैं। 2 घंटे हमने इसको फुला कर रखा था, अलग पानी से निकाल करके 2 घंटे तक रखे थे, इसे बढ़िया दब रहे हैं। ये इस तरीके से हम बराबर से चलाते जाएंगे, हमको इसको छोड़ना नहीं है, बराबर से चलाते रहना है। अब हम इसमें मूंगफली डाल दिए हैं, अब इसमें डालेंगे अपना बादाम और किशमिश, और इस तरह से सबको इकट्ठा मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। बादाम और किशमिश एनर्जी देती है शरीर के लिए, इससे थोड़ा सा डाल दीजिए। हम देसी घी से बना रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल से बना सकती हैं। इस तरीके से ये देखिए कैसी खिली खिली खिचड़ी बनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बढ़िया खिली खिली खिचड़ी बनी है। आप इस तरह से कभी भी बनाकर खा सकती हैं, उपवास में या वैसे भी। अब हमने इसको सर्व कर दिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।